जी, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु क्या व्यवस्था की गई है कांकेर जिला में? माननीय अध्यक्ष महोदय, बायो मेडिकल निष्पादन हेतु दो प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। एक तो जो रुई हैं, कपड़े हैं, मानव अंग हैं, ब्लड है इत्यादि के लिए डीप पिट बनाए जाते हैं, 2 मीटर बाई 2 मीटर के गड्ढे करके उसको करते हैं। और दूसरा एक कम गहरा होता है, उसको बोलते हैं शार्प पिट, जिसमें नुकीली सुई वगैरह इस टाइप के हार्ड चीज़ों को डालते हैं कि लोगों को लगे ना, उसमें वो बंद रहता है, केवल उसको डालने भर का उसमें स्थान रहता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी हॉस्पिटलों में हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो जानना चाह रहे हैं, ये इनके प्रश्न में जो था, बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए जो इंसिनरेटर की स्थापना के संदर्भ में, उसकी स्थापना कांकेर जिले के किसी भी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नहीं है। उसके लिए एनजीटी के द्वारा खुद ही ये लगाए जाते हैं। और अभी कोंडा गांव में ये अपने एनजीटी ने लगाने का निर्णय लिया है, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड है, और उसके माध्यम से ही उसका निपटान होता है। ये शासकीय भी पूछ रहे हैं और प्राइवेट भी पूछ रहे हैं, दोनों चिकित्सालय में इंसिनरेटर के बात पूछ रहे हैं, उसकी कुछ जानकारी है आपके? हाँ, मेरे पास शासकीय की भी जानकारी है, प्राइवेट का भी है। निजी चिकित्सकों में भी इंसिनरेटर, मूल प्रश्न ये है। ये इंसिनरेटर जो है किसी भी उस जिले में शासकीय में है ना प्राइवेट में है? नहीं है। चलिए आगे प्रश्न करिए। नहीं तो बायोमेडिकल वेस्ट जो निष्पादन हेतु शासन के एनजीटी का क्या निर्देश है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एनजीटी का निर्देश इनको दिया हुआ है, बोले तो मैं पढ़ देता हूँ, आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, रखा हुआ। चलिए उनको उपलब्ध करा दीजिए, ये पूरे निर्देश को पढ़ें तो ठीक है, उनको उपलब्ध करा दें आप। श्री किरण देव।